इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ओल्ड टीवी में फ्री फायर गेम को प्ले करके उसमें कैसे खेल सकते हो। तो गाइस आपका जो एंड्रॉइड मोबाइल में फ्री फायर गेम को खेलते हैं तो इसे गेम आपको ओल्ड टीवी में प्ले करके उसमें खेलना है तो वही आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो आपको मोबाइल को कैसे कनेक्ट करना है और फ्री फायर गेम को टीवी में कैसे खेलना है तो जितना जो प्रोसेस है तो सभी प्रोसेस आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे इस तरह नई वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो गैस इसे हमारा जो टीवी है जो ओल्ड टीवी है जो CRT TV बोलते हैं वही हमारे पास जो टीवी है तो इस टीवी में हमें जो फ्री फायर गेम को प्ले करना है और उसमें हमें गेम को खेलना है। तो चलो मैं सबसे पहले टीवी में गेम खेलने के लिए सबसे पहले आपको एनीकास्ट लेना है। तो चलो मैंने एनीकास्ट ले लिया है और दूसरा आपको मिनी HDMI 2 AV लेना है क्योंकि हमें टीवी से कनेक्ट करना है। तो चलो मैं सबसे पहले सभी जो प्रोसेस है वही हमें कंप्लीट कर देते हैं और उसमें हमें गेम को प्ले करके उसमें गेम हमें मोबाइल से खेलना है। तो चलो मैंने सभी चीज़ को ले लिया है। तो गाइस आपको सबसे पहले जो मोबाइल है तो मोबाइल में जो फ्री फायर गेम खेलते हैं तो इसे गेम आपको टीवी में खेल सकते हो। तो चलो मैंने सबसे पहले एनीकास्ट ले लिया है तो इन्हीं एनीकास्ट है वही आपको मिनी HDMI 2 AV में लगाना है और लगाने के बाद जो टीवी का पिन होता है जो आपको टीवी में जो आपका डिश टीवी में कनेक्ट करते हैं तो इसी बिन आपको मिनी HDMI 2 AV में कनेक्ट करना है और दूसरी जगह भी आपको एनीकास्ट को कनेक्ट करना है। और एनीकास्ट में जो USB केबल है तो इस केबल आपको उसमें मोबाइल का चार्जिंग होता है तो इस चार्जिंग में आपको कनेक्ट कर देना है। तो गाइस अभी देख लीजिए कि सभी मैंने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है लेकिन अभी तक हमारा एनीकास्ट है वही हमारा टीवी में शो नहीं हो रहा है। तो आपको एनीकास्ट को मिनी HDMI 2 AV में लगाना है और जो टीवी का पिन होता है तो पिन आपको इस तरह कनेक्ट करना है जो भी मैंने आपको कनेक्ट करके बताया है वही आपको सभी प्रोसेस कंप्लीट करना है। लेकिन आपको एनीकास्ट जो मिनी HDMI 2 आपको परचेस करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उसमें जाके परचेस कर सकते हो। तो चलो मैंने सभी प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है लेकिन अभी तक हमारा जो एनीकास्ट है वही हमारा टीवी में शो नहीं हो रहा है। तो चलो मैं सबसे पहले जो चार्जिंग है उसका केबल को हटा देता हूँ और हटाने के बाद चलो मैं फिर से उसमें कनेक्ट कर देता हूँ जो लाइट का प्लग है तो उसमें मैंने मोबाइल का चार्जिंग है वही मैंने कनेक्ट कर दिया है तो हमारा सही से कनेक्ट हो रहा है। तो गाइस आपको वेट करना है और कुछ ही देर में आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइस अभी देख लीजिए कि हमारा टीवी में एनीकास्ट है वही हमारा सही से कनेक्ट हो गया है और कनेक्ट होने के बाद आपको सबसे पहले मोबाइल में जो स्क्रीन मिरर का ऑप्शन होता है कास्ट स्क्रीन का ऑप्शन होता है तो वही आपको ओपन करना है। तो चलिए हमारा सही से मोबाइल में हमारा जो स्क्रीन मिरर का ऑप्शन है वही हम ओपन करते हैं क्योंकि हमने एनीकास्ट जो मैंने HDMI 2 है वही मैंने टीवी में सही से कनेक्ट कर दिया है और कनेक्ट करने के बाद आपको किसी भी मोबाइल में जो नोटिफिकेशन में आपको स्क्रीन मिरर का ऑप्शन होता है जो स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन होता है वही आपको ओपन करना है। तो चलो मैंने ओपन कर दिया है और ऑन कर दिया है लेकिन एनीकास्ट का नाम है वही हमारा मोबाइल में शो हो रहा है। तो चलो मैं मोबाइल में क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है और आपका मोबाइल है वही आपका टीवी में शो हो जाएगा। तो गाइस अब देख लीजिए कि हमारा सही से मोबाइल है वही हमने टीवी में कनेक्ट कर दिया है उसमें कैप्चर कर दिया है जो हमारा स्क्रीन मिरर हो गया है। तो आपको मोबाइल में जो फ्री फायर गेम है वही आपको ओपन करना है। तो चलो मैं मोबाइल में फ्री फायर गेम है वही मैं ओपन करता हूँ। तो गाइस अब देख लीजिए कि हमारा सही से टीवी में गेम प्ले हो रहा है ओपन हो रहा है। तो आपको वेट करना है क्योंकि उसमें सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हो जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि गरीना का जो लोगो है वही उसमें शो हो रहा है और हमारा जो गेम है वही हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस आपको इसी तरह मोबाइल को सबसे पहले टीवी में कनेक्ट करना है जो भी मैंने प्रोसेस आपको बताया है वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है और आपका गेम है उसमें आपको आसान तरीके टीवी में मोबाइल से प्ले करके टीवी में गेम को खेल सकते हो। तो चलो मैं सबसे पहले सभी सेटिंग कर देता हूँ और सभी सेटिंग करने के बाद आपका गेम है वही आपको आसान तरीके प्ले करके उसमें खेल सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि आपको जो मोबाइल में फ्री फायर गेम को स्टार्ट करते हैं तो सभी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करते हैं
तो इसी तरह आपको सभी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करके गेम है वही आपको आसान तरीके टीवी में प्ले करके खेल सकते हो। लेकिन आपको सबसे पहले मोबाइल को अच्छी तरीके से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जो मैंने HDMI 2 है, जो एनीकास्ट है, वही आपको दोनों लेना है, और जो भी मैंने कनेक्ट करके आपको बताया है वही आपको टीवी का पिन है वही आपको मिनी HDMI 2 में लगाना है, और सभी पिन आपको लगाने के बाद आपका जो गेम है वही आपको आसान तरीके प्ले कर सकते हो। तो गाइस अभी मैंने जो गेम में सेटिंग कर दिया है और मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया है, और उसमें आपको 1 मिनट वेट करना है क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है ओपन होने में। तो चले हम वेट करते हैं और गेम है वही हमारा सही से मोबाइल में प्ले हो जाएगा, और मोबाइल में मैं गेम खेल के टीवी में प्ले कर सकते हो, और टीवी में आपको इस तरह गेम को खेल सकते हो। तो हमारा सही से सभी प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो हम वेट करते हैं क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वही मैं आपको सभी प्रोसेस कंप्लीट करके लाइव प्रूफ करके वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलो मैं गेम को खेल के प्ले करके टीवी में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी देख लीजिए कि उसमें टाइमर है वही उसमें स्टार्ट हो गया है, लेकिन एंड हो जाएगा और हमारा जो गेम है वही हमारा सही से टीवी में प्ले हो जाएगा। तो चलिए हम वेट करते थे और स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो गाइस अभी देख लीजिए कि सही से हमारा गेम है वही हमारा मोबाइल में प्ले हो रहा है, जो भी हमारा टीवी में भी प्ले हो रहा है। तो आपको मोबाइल को इस तरह स्क्रीन मिरर करके कास्ट स्क्रीन करके गेम को आसान तरीके प्ले कर सकते हो। तो सभी ऑप्शन आपको आपके हिसाब से जो भी सेट करते हैं वही आपको सेट करने के बाद जो गेम है वही आपको प्ले कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए हमारा सही से फ्री फायर गेम है वही हमारा टीवी में प्ले हो रहा है। जो गाइस हमारे पास जो टीवी है वीडियो कौन का है, ओल्ड टीवी है, जो CRT टीवी बोलते हैं वही हमारा पास टीवी है, जो स्मार्ट टीवी नहीं है, जो ओल्ड टीवी है उसमें मैंने गेम को प्ले करके आपको बताया है, और उसमें मैं गेम भी खेल रहा हूँ। तो अभी देख लीजिए कि हमारा सही से टीवी में गेम प्ले हो रहा है। तो आपको इस तरह जो घर पे आपका किसी भी ओल्ड टीवी है लेकिन उसमें आपको फ्री फायर गेम या किसी भी गेम को खेलना है मोबाइल से, तो वही आपको आसान तरीके मोबाइल को कनेक्ट करके गेम को प्ले करके उसमें खेल सकते हो। तो हमारा सही से फ्री फायर गेम है वही हमारा सही से टीवी में प्ले हो गया है, जो भी मैं मोबाइल में गेम को खेल रहा हूँ वही हमारा सही से टीवी में स्क्रीन ओपन हो गया है। तो आपको इस तरह मोबाइल को इस तरह आपके पास जो स्मार्ट LED टीवी नहीं है लेकिन आपको जो ओल्ड टीवी यूज करते हैं, जो CRT टीवी है, जो लेकिन उसमें आपको मोबाइल को कनेक्ट करके गेम को खेल सकते हो। तो गाइस हमारा जो कॉल आ गया है तो चलो उसको मैं कट करता हूँ, और कट करने के बाद जो हमारा गेम है वही हमारा सही से प्ले हो रहा है। तो आपको इस तरह फ्री फायर गेम है वही आपको मोबाइल में खेल के टीवी में आपको प्ले करके उसमें शो कर सकते हो। तो चलो मैं बैक बटन पे क्लिक करता हूँ और गेम है वही मैं क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस आपको इस तरह फ्री फायर गेम को ओल्ड टीवी में प्ले करके खेलना है मोबाइल से, तो वही आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो गाइस जो जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको लाइव प्रूफ करके कंप्लीट बता दिया है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।